बंदा है कमाल, छत पे है ये चलता अपनी उल्टी चाल, लगता है आसमां में ये उड़ रहा, काश मैं भी करता ऐसा ही कमाल। तुम जैसे हो वैसा मैं भी बनूं, कुछ तो सिखाओ हथौड़ी तुम, मुझको यूं ना देखो ऐसे ही बस ना खड़े रहो, मुझे संग ले चलो। इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तभी तो आपको इसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। ये दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। तो आप ठीक 6 बजे उसे बगीचे वाले रेस्टोरेंट में मिल लीजिएगा, देर मत करना। हाँ नहीं, मैं वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं क्या ठीक नहीं कह रहा? आपने तो अलग अलग जूते पहने हैं। ओहो, जल्दबाजी में ऐसा हो गया होगा। हो गया दीवाना। अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, दोनों चैन से जिंदगी गुजारेंगे। कितनी खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है। मुझे दिखाओ। क्या बाल है इसके। सुनो, तुम लोग नजर मत लगाओ। हम नजर लगाने वालों में से नहीं है, मदद करने वालों में से है सर। आपके मन में कोई परेशानी हो तो हमें बता सकते हैं, हम उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे सर। हाँ बिल्कुल। केनिची, हथौड़ी, तुम लोग तो बच्चे हो, मैं तुम लोगों से क्या बात करूं? एक निंजा से तो जरूर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ सर, आप बेफिक्र हो जाइए, आज तो हम आपकी बात बना कर ही दम लेंगे। ऐसे बनाएंगे कि शादी हो जाए। हथौड़ी, क्या तुम लोग वाकई में मेरी मदद करोगे? हाँ हर तरह से सर। आप हथौड़ी की काबिलियत को नहीं जानते, ये बड़े से बड़े बिगड़े काम बना सकता है, आपकी नैया यही पार लगा सकता है। ओ तो मेरी नैया पार लगा दो हथौड़ी। हाँ, लगा देंगे। ऑल द बेस्ट सर। यहाँ तो वो दिखाई नहीं दे रही, मालूम होता है अब तक आई नहीं। जिससे आपको मिलना है वो तो आपके सामने बैठी हुई है सर। अच्छे से बात कीजिएगा। हाँ वही है, पीछे से इतनी खूबसूरत दिख रही है तो ये लड़की सामने से कितनी खूबसूरत होगी। मैं आपसे ये क्या, इनकी तो बोलती ही बंद हो गई। लड़की के सामने डर गए। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर आपको उससे बात करनी है, सर आपको उससे बात करनी है। मुझे केनिची की मम्मी ने भेजा है और मैं आपसे शादी के सिलसिले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। शादी के सिलसिले में? मैं कब से आप जैसे नौजवान का इंतजार कर रही हूँ। अरे रुक जाइए। पीछे से तो वो ऐसे ही दिख रही थी सर। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, शायद वो आ जाए। आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो आ गई। घबराइए नहीं सर,
चलिए अब जाइए। देखिए, मुझे यहाँ शिशिंजू, मेरा मतलब शिंजू ने वो शिंजो ने वो। ये घबरा क्यों जाते हैं? मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। मुझे केनजी की मम्मी ने आपसे बात करने के लिए यहाँ भेजा है। तो आप खुद नहीं आना चाहते थे क्या? देखो अब ये फिर से चुप हो गए। मैं देखता हूँ। सर ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये लीजिए आपका ऑर्डर। मैंने ये पेस्ट्री मंगवाई है, उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगी। हाँ पसंद है। अरे वाह, ये डॉगी बोलता है। अरे ये डॉगी इतने बड़े बड़े काम कर लेता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसका बोलना तो बस शुरुआत है। अच्छा ठीक है, ये तुम खा लो। बहुत अच्छा बजाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना। अरे ये तो रुक गया। कोई जल्दी से यहाँ ढेर सारी पेस्ट्री लेकर आओ। इस शिशु मानो ने अपना नाटक यहाँ भी शुरू कर दिया। पेस्ट्री हाजिर है। अब क्या तुम सारी पेस्ट्री खाकर ही दम लोगे? क्यों मार रहे हो बेचारे डॉगी को? अरे आपको भी जानवर पसंद है? नहीं। मेरे मारने पर सर इसे बचाएंगे तो इस लड़की पर रौब पड़ेगा। बेहुदा डॉगी, खबरदार जो तुमने इस पर हाथ उठाया, चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। डॉगी को बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉगी के बहाने ही सही दोनों में बातचीत तो शुरू हुई। क्या आपको घूमना पसंद है? साथ अच्छा हो तो कौन घूमना नहीं चाहेगा। शिशि मानो की तो लॉटरी लग गई है। अपने बारे में कुछ और बताइए, आपको क्या क्या शौक हैं? बहुत से हैं। कोई देख तो नहीं रहा। कैसा इंसान है। मैंने कुछ नहीं किया, सच। इसने किया, इसने। आप बेचारे जानवर पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। फिर से किया? इसी ने किया है। देखा, इसी ने किया है। जी नहीं, मेरे कान इतने भी खराब नहीं है। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? क्या हो गया? आप निहायत ही बदतमीज इंसान है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपने मेरी बेइज्जती की है। इस डॉगी की गलती को माफ कर दीजिए। क्या कोई लड़की से इस तरह पेश आता है? हा? मैं चली। रुक जा, ये क्या हो गया? हो लगता है मेरी किस्मत में कुवारा रहना ही लिखा है। शिशि मानू जैसे बेवकूफ दोस्त हो तो वो ना चाहते हुए भी काम बिगाड़ देते हैं। क्यों शिशि मानू? डिंग डिंग डिंग।